गोटा सांसद निशिकांत दुबे के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सांसद निशिकांत के खिलाफ जमशेदपुर के दानिश ने झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। दानिश ने निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए एमबीए की डिग्री की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही अदालत से आग्रह किया है कि सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे। वहीं याचिकाकर्ता ने भारत के निर्वाचन आयोग से निशिकांत दुबे की लोकसभा सदस्यता तत्काल निरस्त करने की भी मांग की है। याचिकाकर्ता के अनुसार निशिकांत दुबे ने वर्ष 2009, 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को जो हलफनामा दिया है उसमें बताया कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए की डिग्री भी ली है, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि निशिकांत दुबे के नाम से किसी भी व्यक्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की डिग्री नहीं ली है। याचिका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपीठ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के निदेशक एवं निशिकांत दुबे को पक्षकार बनाया गया है। जमशेदपुर के एक याचिकाकर्ता दानिश ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की है झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो निशिकांत दुबे ने अपने हलफनामे में जिसका जिक्र किया है, जिस डिग्री का कि एमबीए की डिग्री उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ली है और यह झूठा है, इसको लेकर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति, भारत के निर्वाचन आयोग एवं मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज के फैकल्टी जो डायरेक्टर हैं उन तीनों को पक्षकार बनाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष जो उन्होंने हलफनामा दायर किया था 2009 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, इन सभी चुनाव में जो हलफनामा दिया गया है वह झूठा है और उन्होंने गलत हलफनामे के बिना पर संसद का चुनाव लड़ा है और उसमें संसद की सदस्यता उनकी खत्म करनी चाहिए।